नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हालात के चक्रव्यूह को भेदना था मुश्किल, लेकिन बुलंद हौसलों ने थके हारे पंखों में भर दी वो ताकत कि तूफान से टकराकर भी राह मंजिल की पकड़ ही ली। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान की रहने वाली ऋचा गौर की। महज 6 साल की उम्र में ताइक्वांडो में अपनी काबिलियत का परिचय दिया और पुरुषों के दमखम वाले खेल में कैसे दस्तक दी, जानना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ जयपुर, मिलवाते हैं आपको भविष्य के इस नए सितारे से आज के एपिसोड में। साहस ऐसा कि तूफानों से टकरा जाए, हौसला ऐसा कि चट्टान भी चूर चूर हो जाए, और सपने ऐसे कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। ये परिचय है गुलाबी नगर में रहने वाली ऋचा गौर का। मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने वाली राजस्थान की इस बेटी ने 6 साल की उम्र में ताइक्वांडो सीखना शुरू कर दिया था, और आज 21 साल की छोटी सी उम्र में वे इस खेल का पर्याय बन चुकी है। सबूत है ये मेडल और सर्टिफिकेट। 2013 वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और 3 बार नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड। ऋचा की एकेडमी में आने वालों को भी प्रेरित करता है। वर्ल्ड मुआय थाई चैंपियनशिप 2013 में मैं इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल ले चुकी हूँ, और 5 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडल है मेरे इस, और नेशनल में मैंने हैट्रिक भी बनाई है। छोटी सी बच्ची ने जब मार्शल आर्ट सीखने के सपने देखने शुरू किए तो जयपुर के MNIT कॉलेज में लाइब्रेरियन पिता के सामने बड़ा सवाल था। तो साधारण परिवेश में पली बढ़ी माँ भी आशंकित थी। समाज की रूढ़िवादी सोच ने बेटी होने की दुहाई दी और बच्ची की जिद माता पिता को पिघलने को मजबूर कर रही थी। आखिरकार जीत मासूमियत की हुई। परिवार ने समाज की परवाह नहीं की, बेटी के सपनों को पंख देना बेहतर समझा। PF का पैसा निकालकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भेजा, और बेटी भी पिता की उम्मीदों पर सोने की तरह खरा साबित हुई। सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट की जो इंटरनेशनल प्लेयर ऋचा गौर की जब बात आती है तो अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि पहले ये परिचय था कि ऋचा गौर मेरी डॉटर है, लेकिन आज मैं अपने गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं ऋचा गौर का फादर हूँ। माता पिता को आज बेटी की उपलब्धियों पर नाज है, तो खुशी इस बात की कि आज उनका परिचय बेटी के नाम से है। 3 भाई बहनों में ऋचा दूसरे नंबर पर है। सबसे छोटा बेटा है जिसने दीदी की राह पर चलने का फैसला किया, तो महज 17 साल की उम्र में भाई भी नेशनल में पहुंच गया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकी ऋचा जयपुर में अब अपनी एकेडमी चलाती है, जिससे होने वाली आमदनी से वो अपने पूरे खर्चे निकालती है। लेकिन ऋचा के लिए ये रास्ता आसान नहीं था। विदेशी खिलाड़ियों के सामने टिकने के लिए जरूरत न सिर्फ दिन रात कड़ी मेहनत की थी, बल्कि घंटों पसीने बहाने के बाद भी स्पॉन्सरशिप एक बड़ी चुनौती थी। एक तरफ तो काफ़ी खुशी है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, अपने राजस्थान का नाम कर चुकी हूँ और आगे भी करती रहूँगी, पर कहीं ना कहीं एक दुख होता है कि मेरे राजस्थान स्टेट ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं करा है। हम जो भी टूर्नामेंट में जाते हैं अपने फंड की वजह से जाते हैं, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाले हैं उसमें हमें फंड का सपोर्ट करें ताकि हम अपना जो खर्चा है वो बेयर कर सकें। बिना प्रेशर के हम कॉम्पिटिशन खेल चुके हैं और इंडिया को और भी मेडल्स दिला चुके। राजस्थान की इस बेटी ने सितंबर 2015 में गोवा में साउथ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर राज्य का नाम तो आगे बढ़ाया, लेकिन सरकार की नज़र इस बेटी के प्रयासों पर अभी भी नहीं पहुंची है। ओलंपिक में क्वालिफाई करने का सपना देखने वाली ऋचा को अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हासिल करना बेहद जरूरी है, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ रही है। राजस्थान की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। मैं तूफानों में राह बनाती हूँ, मुश्किलें रोकती मुझको रोड़े अटकाकर, मैं मार कर ठोकर उन्हें राह बनाती जाती हूँ। ऋचा गौर ने इस हकीकत को अपनी जिंदगी में उतारा है। तो ऐसे ही एक खेल के मैदान में शुरुआत 30 साल पहले हरियाणा की बेटी ने की थी। कल आपको मिलवाएंगे जगमती सांगवान से, जो आज केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों को महिला अधिकारों के लिए सजग और सतर्क कर रही है। बस आप देखते रहिए आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।